Hello friends, welcome back to Study with Sarab. In this video, we are going to talk about the next topic of chapter Matter around us or Matter in our surrounding. कोई भी हो सकता है. 9th का chapter है chemistry का first. इसका अगला topic जो है evaporation. Evaporation किन किन चीज़ों से इफेक्ट होती है या evaporation के हमारे daily life में क्या benefits है, उस सारे के बारे में आज इस lecture में बात करेंगे. So start with the evaporation definition. Evaporation is a process in which liquid changes to the gas from the surface. Liquid हमारे पास एक container में है या किसी pond में है या किसी ocean में है, उसके surface के जो particles हैं by getting heat they are trying to move into the vapor phase. वो vapor phase में चले जाएंगे और इस process को नाम देते हैं evaporation. When particles of liquid surface changes to vapor phase or changes to vapors by getting heat is called evaporation. अभी इवेपोरेशन किस किस चीज़ से इफेक्ट होती है, कब इवेपोरेशन बढ़ेगी कब वो कम होएगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फर्स्ट है टेम्परेचर. अगर हमारे पास एक कंटेनर में लिक्विड है, हम इसे नीचे बर्नर से हम इसे हीट दे रहे हैं, यहां से हीट दी जा रही है, अगर इस हीट को बढ़ा दें ताकि इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाए, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तो क्या होएगा. पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीट इंक्रीज करते हैं, तो क्या इंक्रीज होता है, स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. तो सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो किस फॉर्म में चले जाएंगे, लिक्विड टू गैसियस फॉर्म, विच मीन्स दे स्टार्ट फॉर्मिंग वेपर्स. तो यहाँ के ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो किस में चले जाएंगे, गैसियस फॉर्म में. और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करेंगे, कन्वर्ट होएंगे लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में. सो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर rate of evaporation increases. Second जो इसका factor है जिसके ऊपर evaporation depend करती है, that is surface area. सरफेस एरिया का मतलब है कि वो ऊपर का एरिया, ऊपर की सतह है जहाँ से पार्टिकल्स मूव करेंगे लिक्विड टू गैसियस फॉर्म, या जिनको सबसे पहले पॉसिबिलिटी है जिनकी, जो लिक्विड टू गैस जा सकते हैं. हमारे पास अगर ये कंटेनर है इसका सरफेस एरिया इतना है, दूसरी साइड एक छोटा कंटेनर है जिसका सरफेस एरिया इतना है, वेपोरेशन जब भी होती है वो सरफेस से होती है. जितने नंबर ऑफ पार्टिकल सरफेस पे अवेलेबल हैं उतने ही पार्टिकल लिक्विड टू गैस कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें मोर पार्टिकल्स एट द सरफेस मोर इवेपोरेशन, लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस लेस इवेपोरेशन. सो मोर पार्टिकल एट सरफेस इसका मतलब क्या है,
मोर सरफेस एरिया। विच मीन्स मोर इवेपोरेशन एंड लेस सरफेस एरिया, लेस इवेपोरेशन। थर्ड इज विंड। विंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे जैसे हवा चलती है, जैसे जैसे विंड ब्लो करती है, वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। अब ऐसा कैसे? आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि हवा से चलने से रेट ऑफ इवेपोरेशन के ऊपर फ़र्क कैसे आता है। लेट इट बी, ये नीचे पॉन्ड है या आपका एक कंटेनर है जिससे इवेपोरेशन होनी है। ऊपर यहाँ पे दीज आर द वाटर वेपर्स इन द एयर, वेपर इन द एयर, और ये क्या है हमारा इवेपोरेशन जिस जगह से होनी है, कंटेनर वाटर है। अब अगर हवा चलेगी तो यहां से ये वाले वेपर्स जो हैं वो चले जाएंगे और यहाँ पे जगह क्रिएट हो गई, ब्लैंक स्पेस आ गई इतनी, जिस जगह पे यहाँ से जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो कन्वर्ट होके वेपर में यहाँ पे रुक सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ऑलरेडी वेपर्स थे तो इनको स्पेस ही नहीं मिलेगी वहाँ पे जाने के लिए। अगर वहाँ पे जाने के लिए स्पेस नहीं है तो कम पार्टिकल्स जो हैं वो कन्वर्ट करेंगे वेपर फेज में। सो अगर हवा कम चलेगी, वेपर की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, हवा में वॉल्यूम बढ़ेगा तो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी और लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स कन्वर्ट करेंगे लिक्विड टू गैस। सो इफ विंड ब्लोज, विंड स्पीड भी लिख सकते हैं, अगर विंड की स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो फास्ट होगी। या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर हवा नहीं है और एक जगह हवा है विद विंड, विद प्रेजेंस ऑफ विंड, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। इसके बाद है फोर्थ है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में है कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन क्या होता है, जिस टाइम हमारी एयर में नंबर ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। मोर द नंबर ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर, मोर द ह्यूमिडिटी। लेस द नंबर ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, लेस इज द ह्यूमिडिटी। सो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है उससे क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। अच्छा, तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होएगी तो इवेपोरेशन का जो रेट है, उसकी स्पीड है, वो कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने पिछली ही एग्जांपल में, विंड वाली एग्जांपल में कहा कि अगर वाटर वेपर ऊपर प्रेजेंट रहेंगे तो नीचे से लिक्विड पार्टिकल्स वाटर वेपर में कन्वर्ट कम होएंगे। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि एयर एक टाइम पे एक फिक्स्ड, हम कह सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट, जितना वो वाटर वेपर का उस वॉल्यूम में रख सकती है वो उतना ही रखती है। अगर एक कंटेनर में 1 लीटर वाटर आता है तो 1 लीटर ही आएगा। सेम विद द एयर, एयर के जितने एरिया में ह्यूमिडिटी है उतने एरिया में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर वेपर हो सकते थे, अगर उससे बढ़ते हैं तो इवेपोरेशन का रेट मिनिमम हो जाएगा, नहीं एयर एक्सेप्ट कर पाएगी ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। सो अगर वहाँ पे स्पेस मौजूद होएगी तभी यहाँ से पार्टिकल ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी की वजह से ऊपर स्पेस नहीं है तो पार्टिकल्स वेपर बनने में दिक्कत आएगी, स्लो बनेंगे और ह्यूमिडिटी की वजह से इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब इसके बाद एक चीज़ जो अलग कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग या इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन
कूलिंग देती है, उसका रीज़न क्या है, ये ऐसा क्यों होता है? एक क्वेश्चन आता होता है कि आप एसीटोन डालो अपनी पाम पे तो आपकी पाम को ठंडा महसूस होता है, या फिर जब आपको पसीना आ जाता है, पसीने के बाद आप थोड़ा बहुत हवा में जाते हो तो आपको ठंडा महसूस होता है, हवा ठंडी लगती है, इन सभी का रीज़न क्या है? इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब कैसे? सी, इवेपोरेशन कब होती है? जब वो हीट लेती है, कहाँ से? सराउंडिंग से। ये हमारी सराउंडिंग है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से हीट किसको जानी है? पार्टिकल्स को। किसके पार्टिकल्स को? लिक्विड पार्टिकल्स को। अब लिक्विड पार्टिकल्स ने यहाँ से हीट ले ली, यहाँ से हीट ली तो यहाँ पे क्या हो गया? हीट डिक्रीज हो गई। हीट डिक्रीज हुई मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है? कूलिंग। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा वैसे वैसे चीज़ कूल होती जाएगी। तो अगर आप पाम पे एसीटोन डाल रहे हो, आपकी पाम से जो एसीटोन था उसने क्या किया? हीट गेन करी। हीट गेन करके वो क्या हो गया? अपनी स्टेट चेंज कर ली, लिक्विड टू वेपर्स। हीट कहाँ से गई? आपकी पाम से। आपकी पाम का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ और आपको कूलिंग फील हुई। जब आपको स्वेट आता है, पसीना आता है, उस टाइम पे भी क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है, बॉडी में पसीना आया, आप हवा के नीचे गए। मैंने बताया था विंड से इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होता है, तो जैसे ही हवा चलेगी आपकी बॉडी से लिक्विड किस में कन्वर्ट होएगा? वेपर में कन्वर्ट होएगा, और आपकी बॉडी से हीट लेगा, विंड की वजह से उसकी प्रोसेस फास्ट होएगी। तो हीट आपकी बॉडी से ली, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ? लो, विच मीन्स कूलिंग। सो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ये था यहाँ तक का टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।